global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company. मुंबई जुहू स्थित एक बहुप्रतिष्ठित होटल में गुजराती गौरव सम्मान अवार्ड का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुजरात के प्रतिष्ठित समाज सेवक विद्वान हड़दिया भी मौजूद थे। उन्हें भी गुजरात गौरव अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, रिजवान अड़दिया समाज के अच्छे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं। ये मैं गुजराती में बोलूंगा क्योंकि गुजरात अवार्ड है तो हमारे लिए, गुजराती के लिए ये प्राउड की बात है और ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड बोला जाएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लोग को ये अवार्ड मिलेगा वो लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत प्राउड फील करेंगे। और जो जो एरिया में अवार्ड मिलेगा ना, वो अवार्ड के बाद वो लोग की काम करने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे कि गुजराती कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा यूएसपी क्या होता है और कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुजराती कल्चर पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आज एक गुजरात का नाम है दुनिया के अंदर, जो जिसको एनआरजी बोलते हैं। और आज बहुत लोग गुजरात का कल्चर को फॉलो करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि देखो हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अड़दिया फाउंडेशन की बात करें तो अभी इस साल 2018 की बात करें तो क्या कुछ नया करने वाला है अड़दिया भारत के लिए? अड़दिया फाउंडेशन है वो एवरी ईयर कुछ नया करते ही रहते हैं। अभी हमने झारखंड में भी दो प्रोजेक्ट शुरू किए लास्ट ईयर 2017 में, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं दिल्ली से आया हूँ आज, दिल्ली में भी हमने एक निज़ामुद्दीन बस्ती में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो अभी शुरू होने वाला है, जिसके अंदर वहाँ के जो निज़ामुद्दीन बस्ती के आसपास लोग रह रहे हैं वो लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव और स्किल डेवलपमेंट के लिए यूथ को एम्पावर करने के लिए हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो वो प्रोजेक्ट से वहाँ के दो अढ़ाई हज़ार या 3,000 यूथ को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे नए नए हमारे एक्टिविटीज़ चलती रहती है और गुजरात के अंदर तो हम बहुत काम कर रहे हैं और सीएम साहब, पीएम साहब सब ने अप्रिसिएट किया है हमारे काम को। बहुत काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, वीमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट जो है हम बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम लोग डीप में काम कर रहे हैं। अभी जो हमने 1 फरवरी को अहमदाबाद में कभी ऑफिस खोली हमारा रिजवान अदतिया फाउंडेशन की, जिसका फॉर्मल इनॉग्रेशन नेक्स्ट मंथ हम लोग करने वाले हैं। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं गुजरात के अंदर। साउथ अफ्रीका से कितना सपोर्ट मिल पाता है अदतिया फाउंडेशन को? साउथ अफ्रीका से अभी तक हमने किसी का सपोर्ट लिया नहीं है, हमारे खुद के फंड से हम काम कर रहे हैं। बट अभी हम इंडिया में और गुजरात के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम लोग जुड़े साथ में और हमारे साथ मिलके हम लोग काम करें। तो इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रिजवान अड़हतिया ने बताया कि उनका अड़हतिया फाउंडेशन समाज के हित के लिए कार्य करता आ रहा है। मीडिया से बातचीत में रिजवान अड़हतिया ने बताया कि अभी तक उन्होंने एक गांव को भी गोद ले लिया है और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। इन्हीं सब कामों के लिए उन्हें देश के प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्री से सम्मान मिलता रहता है। अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने भी उन्हें समाज के लिए अच्छे काम करने हेतु सम्मानित किया। देखते हैं आगे क्या कुछ कहा रिजवान अड़हतिया ने। हाँ, वो जो जैसे आपने बताया कि एक गांव हमने एडोप्ट लिया है अभी तक, उसको हम लोग एक रोल मॉडल की तरह बना रहे हैं। 1.5 साल हुआ है उसको, तो उसके ऊपर ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। पहले उसको एक अच्छा सा स्मार्ट विलेज बना देवे, उसके बाद हम लोग फास्ट आगे बढ़ेंगे। तो वो प्रोजेक्ट रहे हैं, बहुत सारे गांव हमने सिलेक्ट किए हैं लेकिन हमने कॉन्फिडेंशियल रखा है। एक बार ये गांव प्रॉपर डेवलप हो जाएगा गुजरात का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, हमने ऐसा एक साल हर साल नहीं बोला था, लेकिन 2020 तक हम लोग 10 गांव एडॉप्ट करने वाले हैं, तो वो उसके ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहला 2020 तक हम लोग डेफिनेटली 10 गांव को हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे। लक्ष्य है हमारा 100 गांवों का है, 2015 तक हमारा टारगेट है और कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको पूरा करें।